जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना से युद्ध का दूसरा प्रहर प्रारंभ हो चुका है। पहले प्रहर में हम लोगों ने 21 दिन का लॉकडाउन देखा, उसे अपनाया और यथासंभव उसका पालन भी किया। यही कारण है कि पूरे विश्व की तुलना में भारत आज ज्यादा सुविधाजनक स्थिति में है, कंफर्टेबल पोजीशन में जिसे हम कह सकते हैं, और हमने कोरोना के उस प्रसार को सफलतापूर्वक रोकना संभव किया है जो पूरे विश्व को आक्रांत किए हुए थे। लेकिन अब यह भी निश्चित है कि जितना लंबा समय इस लॉकडाउन में जाएगा, उतना ही हम सबको मानसिक रूप से तैयार होने में कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी। विशेष रूप से हमारे युवाजनों को यह ध्यान रखना होगा कि यह संयम का समय है, यह सकारात्मकता का समय है। इस समय का जितना अच्छा उपयोग वे कर पाएंगे, उतना ही अच्छा प्रत्युत्तर वे इस युद्ध में अपना दे पाएंगे। मेरा आग्रह है उन सभी लोगों से जो लोग भी इस कार्य में जुटे हुए हैं और जो लोग भी इस सहयोग में व्यवस्था में जुटे हुए हैं, उन सबको हम अपना नैतिक सपोर्ट भी दें, नैतिक बल दें और अपना यथासंभव आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक भी संबल प्रदान करें, यथासंभव चिकित्सकीय सहयोग भी प्रदान करें। प्रधानमंत्री जी ने आज सप्तपदी यानी 7 स्टेप्स का आग्रह सभी से किया है। हमें उन 7 स्टेप्स को विशेष रूप से याद करना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि इन 7 स्टेप्स को यानी 7 कदमों को हमें इसलिए उठाना है कि यदि यह 7 कदम हमने सफलतापूर्वक उठाए तो निश्चित समझिए कि 3 मई के बाद हम किसी भी प्रकार का लॉकडाउन सहन करने के लिए विवश नहीं होंगे। लेकिन यदि हमने इन कदमों को नहीं उठाया तो हम इस बात के लिए तैयार रहें कि कोरोना अपना 4th फेज भी यहां पर प्राप्त कर सकता है। उन सप्तपदियों में पहला और मुख्य कदम हमारा है कि जो बुजुर्ग हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखें, जो पुरानी बीमारियों से ग्रसित है, कोरोना उनको आसानी से ग्रसित कर सकता है, अतः उनका ध्यान विशेष रूप से रखना है। नंबर 2, दूसरा, लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग दोनों का हमें पूरा ध्यान रखना है। ये ध्यान रखें कि ये लॉकडाउन हमारे ऊपर नहीं है, हमारे लिए है। पूरा ध्यान रखें कि ये लॉकडाउन का अर्थ हमारी अपनी सुरक्षा है, हमसे किसी की सुरक्षा नहीं है। और सोशल डिस्टेंसिंग हमें इस बात के लिए निश्चित रूप से इंश्योर करेगी कि ये हमसे, अगर हमें कुछ हो भी तो भी ये दूसरे तक ना जाए। अतः लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग दोनों का हमें पूरा ध्यान रखना है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस पूरी लॉकडाउन की प्रक्रिया में शायद हम ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, हमसे बुरी स्थिति में वे सब हैं जो दैनिक मजदूर थे, गरीब थे, वंचित थे, जिनके पास आज साधन नहीं है, और वो भी विशेष रूप से जो आज तक अपने घर नहीं जा पाए हैं, हमें उनका ध्यान रखना होगा। हमें उनका इस प्रकार भी ध्यान रखना होगा कि हम यह नियम बना लें कि हम निश्चित संख्या में मास्क बनाएंगे और उन्हें वितरित करेंगे। हम यह प्रयास करें कि 130 करोड़ भारतीयों में कोई भी व्यक्ति इस बात से वंचित ना रहे कि वह कोरोना का शिकार इसलिए हो कि उसके पास मास्क नहीं था। यह हमारी सबकी साझा जिम्मेदारी है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कम से कम 2 मास्क, जो घर के बने हुए मास्क हों, वे अवश्य पहुंच जाएं। पूरे विश्वविद्यालयों, पूरे विद्यालयों, पूरे घरों, पूरे वर्गों की यह जिम्मेदारी है कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए यह व्यवस्था सुनिश्चित करें कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कम से कम 2 मास्क अवश्य हों। हम ये भी जानते हैं कि कोरोना बीमारी से बचने का सबसे सुरक्षित उपाय यह है कि हम अपने अंदर यह रेजिस्टेंस पावर बढ़ाएं, जिसके रहते हमारे ऊपर कोई
असर न हो, इसके लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने एक विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है। मैं अनुरोध करूंगा सभी से कि उन विस्तृत गाइडलाइंस को, उसमें बहुत छोटे छोटे सुरक्षात्मक उपाय हैं, हम खान पान के उपाय हैं, जिनको हम यदि अपना लेते हैं तो हमारे ऊपर इसका असर नहीं होगा, और यदि होगा तो न्यूनतम होगा। आरोग्य ऐप डाउन करने के लिए हम सभी से अनुरोध किया गया है और भारी संख्या में यह ऐप डाउनलोड भी हुआ है। मेरी सबसे निवेदन है, आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस ऐप को अपने मोबाइल फोन्स पर डाउनलोड कर लें और उसके माध्यम से अपने आप को सजग रखें, अपने आप को इस बीमारी से विरत रखें। जैसा मैंने पहले भी अनुरोध किया, वंचितों का विशेष ध्यान रखें, वे वंचित हैं, उनके मनों पर, उनके मनोबल पर इसका कुप्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अतः हमारी सबकी साझा जिम्मेदारी है कि वंचित और गरीब परिवारों का हम विशेष रूप से ध्यान रखें। हम यह भी ध्यान रखें कि ये इस पूरी प्रक्रिया में, हम जानते हैं कि सारे उद्योग लगभग बंद हैं, उद्योगों यद्यपि कोरोना का आर्थिक कुप्रभाव भी पड़ा है, बड़ी संख्या में उद्योग बंद हुए हैं, लेकिन भारत सरकार ने भी अनुरोध किया है और मैं अपने बिहाफ पर आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस कठिन समय में किसी को नौकरी से न निकालें, उन्हें आपकी आवश्यकता है। यह सहयोग आपका भारत के लिए, भारत स्वस्थ भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। और अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में अनेकों लोग अपनी जान पर खेलते हुए हमारी सेवा में लगे हैं, वे निश्चित हमारे लिए सामान ला रहे हैं, हमारे लिए दवाएं पहुंचा रहे हैं, भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, अनाज की व्यवस्था कर रहे हैं, वे हर प्रकार से अपने आप को रिस्क में डाल रहे हैं। हम उन्हें कोरोना योद्धाओं के नाम से जानते हैं। मेरा आग्रह है कि हम किसी भी कोरोना योद्धा को जहां कहीं भी पाएं उसका भरपूर सम्मान करें, उनका सहयोग करें, उनका यथासंभव उनकी मदद करें, जहां भी हो सके उनको सम्मानित करने का कोई मौका ना चूके। उनके रहने से ही हम स्वस्थ हैं। उन ऐसे योद्धाओं को हम प्रणाम करें, उनका सहयोग करें, उनका सम्मान करें।